हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी पैरामेडिकल में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2010 और 2011 में पूछे गए हिंदी के सभी क्वेश्चन का आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से आपको यह पता चलेगा कि आखिर जो है हिंदी का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत बार तो प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर यह फ़ायदा भी यहाँ पर आपको जो है मिलेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कीजिएगा, और सबसे ज़्यादा यह ध्यान लगाइएगा कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता हो तो उसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ देते चलिएगा। उसके लिए आपको हम 5-10 सेकेंड का टाइम भी दे दिया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2010 का देखेंगे और उसके बाद 2011 का देखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हम 2015 से लेकर के 2019 तक के हिंदी के पूछे गए सभी क्वेश्चन का तैयारी करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग 2015 से 2019 तक के सभी क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है आज का जो फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन छायावादी कवि थे। छायावादी कवि निम्नलिखित में से कौन थे, तो 81 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा, फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन अज्ञेय, और डी ऑप्शन जो है राम नरेश त्रिपाठी दिया गया है। ठीक है, तो फास्ट आप लोग जो है कमेंट करेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि अज्ञेय जी का जो पूरा नाम था वो था हीरानंद सचिदानंद वातस्याज्ञान अज्ञेय। ठीक है, तो ये भी आप याद रख लीजिए। अभी आप बताइए कि 81 का सही आंसर क्या होगा। तो 81 का यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद आपका सही होगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद क्या थे, छायावादी कवि थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 82 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक काव्यांश किस प्रसिद्ध कृति से उद्धृत है। उद्धृत है मतलब किस प्रसिद्ध कृति से यह जो आपका शीर्षक है लिया गया है। तो 82 का क्या आपका सही आंसर होगा, फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे। आपको बता दें कि 82 का यहां पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, या सोधरा यहां पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपके 83 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि प्रमुख, यहाँ पर आपको बताना है कि प्रमुख का विलोम शब्द हैं, प्रमुख जो वर्ड है, ये जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको क्या करना है बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है लघु, बी ऑप्शन दिया गया है सरल, सी ऑप्शन न्यून दिया गया है, और डी ऑप्शन गौन दिया गया। तो फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे कि 83 का कौन सा जो है सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 83 का आपको बता दें कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, गौन। गौन मिस हो क्या होता है, गुमनाम, जिस आप शब्द सुनते होंगे कि जिसका कोई अता पता न हो, जिस जो कोई ज़्यादा जो भी ज़्यादा चर्चा में न हो। और प्रमुख तो जानते ही हैं, जो प्रमुख होते हैं किसी भी क्षेत्र में तो उनको प्रमुख कहते हैं, वो चर्चित होते हैं, लेकिन गौण जो होता है वो चर्चित नहीं होता है, उसका कोई अता पता नहीं होता है। तो प्रमुख का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, गौण होगा। आगे बढ़ेंगे और 84 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि गणेश का यह शब्द पर्यायवाची नहीं है, गणेश जो है उसका पर्यायवाची कौन निम्नलिखित में से नहीं है। ए ऑप्शन विनायक दिया गया है, बी ऑप्शन लंबोदर है, सी ऑप्शन सूर्यपति, और डी ऑप्शन है गजानन। तो बताइए फास्ट में कि गणेश का पर्यायवाची कौन जो है निम्नलिखित में से नहीं है। तो 84 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है सी होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा सूर्यपति। सूर्यपति जो है गणेश जी का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्यपति किसका है, सूर्यपति आपको पता होना चाहिए कि इंद्र जी का, इंद्र भगवान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये गणेश जी का नहीं है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अगले 85 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पूछा जा रहा है कि जंगल का पर्यायवाची है, जंगल का पर्यायवाची आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया आलय, आलय तो आपका घर का पर्यायवाची होता है। बी ऑप्शन दिया गया अरण्य, सी ऑप्शन दिया गया सैल, और डी ऑप्शन नीर दिया गया है। तो फास्ट कमेंट करेंगे कि 85 का आपका कौन सा जो है सही आंसर होगा। तो 85 का आपको बता दें कि बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, अरण्य। अरण्य जो है जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है, और एक जो है ग्रंथ होता है जिसका नाम होता है अरण्यक। क्या नाम होता है, अरण्यक। तो अरण्यक जो है वो जंगल में जा करके पढ़ा जाता है, क्यों, क्योंकि अरण्य शब्द से ही अरण्यक बना है। अरण्यक जो ग्रंथ होता है वो जंगल में जाकर के पढ़ा जाता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। आलय घर का होता है,
नीर पानी का होता है, सेल किसका होता है आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है। तो 86 का कौन सा सही ऑप्शन होगा आप लोग फर्स्ट जो करेंगे। अगला एक ए ऑप्शन दिया गया है अग्रिम, बी ऑप्शन दिया गया है प्रमात्मा, और सी ऑप्शन है त्रिकोण, और डी ऑप्शन है शासन। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि 86 का कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दें कि 86 का सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा, त्रिकोण यहाँ पर आपका क्या है शुद्ध शब्द है, बाकी की ये सभी के सभी क्या है वर्तनी में कहीं ना कहीं क्या किया गया है गलती किया गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 87 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न प्लस इक बराबर होता है नायिका, न प्लस इका बराबर होता है नायिका, इस संधि का उदाहरण है। तो ये जो संधि हुआ है यहाँ पर न और इका का, तो इसमें कौन सा संधि है यही आपको बताना है। तो 87 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा अयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सुलोचना किस समास का उदाहरण है, सुलोचना जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका 88 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 89 नंबर क्वेश्चन जिसको 89 बोल सकते हैं, बोला जा रहा है कि कनक कनक तय सो गुणी मादकता अधिकाय की शैली से कवि का जो है अनुमान लगाइए। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसके शैली से आपको यह अनुमान लगाना है कि यह किसके द्वारा लिखा हुआ लाइन हो सकता है, किन कवि के द्वारा लिखा हुआ लाइन जो है यह हो सकता है। तो यहाँ पर आपका 89 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे बिहारी का। किसका? तो बिहारी का दोहा, ये आप लोग जो है याद रखेंगे बिहारी के दोहा से ये लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 90 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं, घासीराम कोतवाल के लेखक का नाम आपको बताना है। तो 90 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, इस तरह से आपने 2010 जो है कंप्लीट किया। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो है 2011 का। आपको बता दें कि अगर आप लोग जो है पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस मोबाइल ऐप पर आपको पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF और उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो है आपको बता दें कि 2010 से लेकर के 2000 अभी तक का 2010 से 2019 तक के सभी क्वेश्चन का PDF वहाँ पर आपको आंसर के साथ मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। ऑनलाइन क्यूज भी आप लोग वहां पर जो है दे सकते हैं जैसे आप टेस्ट के तरह। तो जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जो है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए LGRStudy ऐप, वहाँ भी आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे हिंदी का पूछा हुआ सभी क्वेश्चन जो कि 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पर जोर दिया गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ये के लेखक हैं, ये जो आपने दोहा पढ़ा इस दोहा के लेखक कौन हैं। तो फास्ट कमेंट करेंगे, ए ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, बी ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, सी ऑप्शन है सूरदास, और डी ऑप्शन है विद्यापति। तो विद्यापति तो मुख्य रूप से संस्कृत और मैथिली के कवि थे, किसके? संस्कृत और मैथिली के, तो उनका तो हिंदी में ज़्यादा ये नहीं था। तो बताएंगे आप 81 का यहाँ पर आपका क्या सही आंसर होगा, फास्ट कमेंट करेंगे। चलिए हम देखते हैं 81 का, आपको बता दें कि आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, कबीर दास का ये क्या है दोहा है। आगे देखिए यहाँ पर आप अपने 82 नंबर क्वेश्चन को, 82 नंबर क्वेश्चन है कि यह भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, यही आपको यहाँ पर आपको क्या करना है बताना है। तो 82 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर जो है आपका सी हो जाएगा, 82 का सी ऑप्शन, डैट मीन सूरदास जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जो है
83 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे और आंसर करने का कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि यह पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो 83 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे प्रसून, प्रसून यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 84 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आगामी शब्द का विलोम है, आगामी का उल्टा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, आगामी का विलोम शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 84 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा विगत, विगत मतलब जो बीत चुका है और आगामी मतलब जो आने वाला है, तो जो बीत चुका है उसका जस्ट उल्टा होता है आने वाला, ठीक है। तो आगामी का डायरेक्ट उल्टा क्या हो जाएगा, विगत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 85 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि पीताम्बर इस समास का उदाहरण है, पीताम्बर जो है वो किस समास का उदाहरण है? तो 85 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, याद रखेंगे बहुव्रीहि समास। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 86 नंबर क्वेश्चन को। 86 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी, इसमें जो है शिष्यों का कारक है, शिष्यों का कारक कौन सा है? तो 86 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा, 86 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, कर्म कारक, कौन सा कारक, कर्म कारक। आगे देखिए यहाँ पर अपने 87 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि आम्र शब्द आम का निम्नलिखित है, आम्र शब्द जो है वह आम का क्या है? तो 87 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे तत्सम है, आम का क्या है, तत्सम है। आगे बढ़िए और नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो 88 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेगा यहाँ पर आपका जो है अधोगति शुद्ध है, बाकी ये सभी के सभी क्या है, और शुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 89 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है? तो 89 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे प्रेमचंद, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 90 नंबर क्वेश्चन को। 90 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की कहानी गौरा में गौरा किसका नाम है, गौरा जो है वो किसका नाम है? तो आप याद रखिएगा कि 90 का जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका सी होगा, डैट मीन्स गाय का नाम है गौरा, किसका नाम है, गाय का जो है गौरा नाम होता है उस महादेवी वर्मा के गौरा कहानी के अंदर। तो इस तरह से आपका 2011 भी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है 12-13 को देखेंगे, फिर अगले वीडियो में 14-15 को देखेंगे, क्योंकि 15 तो हम लोग देख चुके हैं पहले ही। और आपको बता दें आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और आपको बता दें कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है करवाया गया है, तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अगर आप लोग जो है अभी तक पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।